बरसाना थाने में तैनात पुलिसकर्मी सतीश महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर उसे शादी का झांसा देकर 2 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को उसने ब्लैकमेल किया, लाखों रुपए हड़पे और शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। जानकारी के अनुसार उड़ीसा की रहने वाली महिला का फेसबुक के माध्यम से बरसाना थाने की रिपोर्टिंग चौकी नंदगांव में तैनात सिपाही सतीश से दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए। सिपाही को महिला की सभी जानकारी मिलने के बाद उप सिपाही ने महिला को मिलने के लिए बरसाना बुला लिया और महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील क्लिपिंग बना ली। तभी से सिपाही अश्लील क्लिपिंग की नोक ब्लैकमेल करता रहा। जब सिपाही से महिला ने शादी की बात कही तो महिला सिपाही के झांसे में आ गई और सिपाही महिला का यौन शोषण 2 साल करता रहा और पीड़ित महिला से सिपाही अब तक अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए भी हड़प लिया है। पीड़ित महिला सिपाही पर शादी का दबाव डालने लगी तो उप सिपाही ने महिला को हड़का कर भगा दिया। अपनी असमत और धन के लूट जाने के बाद महिला ने चौकी से लेकर थाने तक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई को दर्जनों चक्कर लगाए। किसी ने उसकी नहीं सुनी। महिला ने रविवार की रात्र को सिपाही से मिलने के लिए नंदगांव चौकी गई तो वहां भी महिला को फटकार मिली। घटना की जानकारी होते ही SSC सलभ माथुर ने आरोपी सिपाही के खिलाफ थाना बरसाना में पीड़ित की तहरीर के आधार पर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दिया। तत्काल आरोपी सिपाही सतीश को लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच कर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। क्या घटना हुई आपके साथ, यहाँ पर क्या मामला हुआ, क्यों आप मतलब थाने पर आई हो? यहाँ मुझे सतीश कुमार कोई सिपाही है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और क्या मामला है? मामला ये है कि उसने मुझे 2-3 साल से परेशान कर रखा है कि मुझे वो मेरे फ्रेंड जैसे सतीश है वो फेसबुक जरिए मेरे फ्रेंड हुआ था और मैं कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पे आई थी, मेरे को बुलाया था उसने और ला के मेरे को मन जो रूम वूम दिला दिया और उस रूम में रात को खाना लेके आया। खाने में कुछ उसने मिलाया था जो खाना खाने के बाद मैं बेहोशी से चली गई और उसने मेरे वीडियो बना लिया था, वीडियो और अश्लील कुछ फ़ोटो बना लिया था। उसके बाद उसी को लेकर मेरे को बीच में कभी कभी वो बुलाता था, उसको डरा मतलब रख के मेरे को धमकाता था और कभी कभी मैं आती थी तो उसको लेकर आज तक वही मामला है। और इसके बारे में इसके विरोध मैंने डेढ़ साल पहले जो नंदगांव चौकी इंचार्ज क्या नाम है उनका इंद्रजीत सिंह सर से मैंने कंप्लेंट किया था और वो इसको लेकर वो भी मेरे को धमका था, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे घर को मैं वो कर दूंगा, भेज दूंगा PSC वो मेरे खिलाफ तुम अगर कोई कार्रवाई किए तो आज तक नहीं हो पा रहा था। और इसके विरोध मैंने 2 महीने पहले SSP साहब से बात की, इसके मैटर पहुँचाई थी और महिला थाने भी कोई आज तक मेरा बात नहीं सुना है। और अभी मैं 4 दिन पहले से ही यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ के जो चौकी इंचार्ज और यहाँ के जो थाने के वाले मेरे FIR को नहीं लेते ना मेरे प्रॉब्लम को सुनते हैं। 4 दिन से परेशान हूँ और इसलिए परेशान होकर मैं आज जो ये FIR लेके आई हूँ और मुझे बस न्याय चाहिए। और कुछ शादी वगैरह भी मतलब आपसे कोई हुई थी? हाँ, उसकी हुई थी, मंदिर में मुझे ये सब धमका चमका के वो कर लिया था, शादी का वादा भी किया था और सिंदूर विंदूर भर लिया था, मेरे को बोला था ये सब, मेरे बच्चे और फैमिली है तो मैं डरती थी कि हाँ ना ये मैटर ना बढ़े। फिर उसके बाद ऐसा करता था कि जब शादी हो गया और मुझे भी पैसा वैसा लिया है उसने, जब मैं ये सारे हिसाब मांगती। कितना पैसा लिया आपसे? ऐसे तो लाखों रुपया उसने ले लिया। क्या काम करती हैं आप जो पैसा लिया उसने? मैं सहारा इंडिया में काम करती हूँ, LIC में काम करती हूँ और एक बेस्टेस कंपनी है, मल्टी कंपनी है, उसमें भी काम करती हूँ। उस दौरान मुझे बाहर आना पड़ता है, पब्लिक भीड़ रहती तो मैं आई थी तो ऐसे मरे से खेल रहा है तो मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अब क्या चाहते हो, क्या मतलब क्या? अब मैं ये चाहती हूँ मेरा FIR यहाँ पे दर्ज हो जाए और मुझे न्याय मिले। सर बताएं, बरसाना थाने में एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए, क्या मामला है? ये एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक सिपाही जो बरसाना थाने के ऊपर तैनात है उसके द्वारा उसके साथ झांसा देके और फेसबुक के माध्यम से संपर्क करके उसके साथ शादी का झांसा दिया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग दर्ज किया गया है जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर स्वयं करेंगे। सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन ट्रांसफर कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई इसमें ऑर्डर कर दी गई। दोषी पाने के ऊपर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत जो और भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। जो FIR है उसके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र गुण दोष के आधार पर FIR का निस्तारण किया जाएगा
और जो भी लीगल प्रोसीडिंग विधिक कार्रवाई इसके अंदर होगी वो की जाएगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मीडिया से मुखातिब हुए, मेरे खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है, मुझे न्यायपालिका और ईश्वर पर पूरा भरोसा है और मेरी कामना है कि मैं पीड़िता और वकील जल्दी स्वस्थ। जेल उन्नाव जेल में बंद विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली ले जाया जा रहा है। 22 पुलिस सुरक्षा कर्मियों के बीच वो दिल्ली रवाना हुए। सोमवार को वो दिल्ली की 30,000 कोर्ट में होंगे। उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ, उच्चतम न्यायालय का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ है कि घटना है या साजिश, इसकी बहुत व्यापक पैमाने पे जांच होनी चाहिए। और मैं आप लोग विद्वान हो, मैं आप लोगों से भी कहूंगा, जो आरोप मुझ पर लगाए गए सब राजनीतिक आरोप है। अगर किसी की मदद करना अपराध है तो स्वाभाविक हम लोग राजनीतिक लोग करेंगे क्या। कुछ लोग अपने काम में वो हो गए, कमजोर हो गए, उन्होंने राजनीतिक साजिश की है। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ, पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, व्यापक जांच होनी चाहिए। किस पर आरोप है? अब ये आप सब विद्वान लोग हैं, आप ये तय करिए। मैं एक चीज जरूर आपके आपके माध्यम से कहूंगा, ईश्वर जो पीड़िता का एक्सीडेंट हुआ उस पे क्या कहेंगे? पीड़िता का जो पीड़िता की जिस एक्सीडेंट की जांच उच्चतम न्यायालय कर रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि पीड़िता स्वस्थ हो जाए, वकील स्वस्थ हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। थाना हरचंदपुर क्षेत्र के एक गांव में विगत 9 माह से चल रहे धर्म परिवर्तन के मामले में आज जैसे ही आधा दर्जन लोग धर्म परिवर्तन कराने आए, उसकी जानकारी जैसे ही क्षेत्र में लोगों को हुई, वैसे ही हिंदू संगठन के अनेक पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और घटना की सूचना हरचंदपुर पुलिस को दे दी गयी। सूचना पर मौके पर पहुंची हरचंद कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं मामले में क्षेत्र अधिकारी विनीत सिंह का कहना है कि मामला प्रकाश में आया है, जैसे ही तहरीर मिले की मुकदमा पंजीकृत कर इसमें संलिप्त लोगों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खेतई मजरे बाला गांव में विगत 9 माह से धर्म परिवर्तन का मामला सुर्खियों में चल रहा था। तभी आज सुबह लगभग 11 बजे खेत मजरे बाला गांव में आधा दर्जन लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने हेतु लोगों को बहला फुसला कर तथा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक करनी सेना के पदाधिकारी व हिंदू संगठन के अनेक लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसी ही घटना की सूचना हरचंदपुर पुलिस को हुई, वैसे ही हरचंदपुर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन भारी मात्रा में पुलिस बल गांव पहुंच गया। मौके पर पहुंचकर हरचंदपुर एसओ ने लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हरचंदपुर के रहने वाले, क्या है मामला यहाँ? जिस यहाँ ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बाइबिल की बुक लिए हुए हैं, कुछ लोगों को इलाज का बता के, कुछ लोगों को भगवान के बता के, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हजार हजार दो दो हजार रुपए भी दे रहे हैं। तो ऐसी सूचना हम लोगों को मिली तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जी, बाकी हिंदू युवा वाहिनी के हमारे जिला अध्यक्ष योगेश जी, बाकी 20-25 लोग यहाँ पे आए। जब देखे तो ऐसी घटना हुई तो अपने मीडिया भाइयों को, आप लोगों को दिया सूचना और 100 नंबर पे सूचना दिया, तभी सभी लोग आए। कुछ पाया गया उनके पास? यहाँ इनके पास 3-4 बाइबिल की बुक पाई गई है जो कि अभी पुलिस वालों को सौंपी गई है। कितने लोग हैं लगभग इसमें? इसमें तो लगभग हैं 12-14 लोग, लेकिन मौके पे 5-6 लोग पकड़े मिले हैं। महिलाएं कहने को मिल रही है कि महिलाएं दो भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, बाकी महिलाएं इधर उधर, क्योंकि बाहर का गाँव है, लोग इनको पहचानते नहीं। कहाँ पे है कौन सा गांव? ये बाला ग्राम सभा पड़ती है हरचंदपुर थाने के अंतर्गत, वहाँ पे एक खेतई गांव है, लोध बिरादरी के लोग यहाँ ज्यादातर रहते हैं। नहीं सर, हम ऐसे चले आ नहीं है। कई बार आए हुए? रिश्तेदारी मान। आप कई बार आए हैं? यहाँ का मना ही तो पूछ लो खुद बताइए। हम पहली बार आए हैं यहाँ के, चीजें हमारे साथ जाने। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आकाश तिवारी की रिपोर्ट, रायबरेली। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जिला योजना बैठक शहर के एक प्रतिष्ठान में संपन्न योजना बैठक संबोधित प्रांत महामंत्री अंकुर अवस्थी ने कहा कि देश व प्रदेश में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, हिंदुओं का शोषण अभी भी जारी है, मुस्लिम समुदाय के बच्चों का छात्रवृत्ति जबकि हिंदू धर्म के बच्चों का छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है जिसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा की गई है तथा अगले वर्ष की कार्य योजना भी बनाई गई है। बैठक में 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के
अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी भी योजनाएं बनाई गई हैं। बैठक के दौरान कुछ नए पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, जिसमें मीना वाजपेयी महिला परिषद का जिला संयोजक, गंगा नारायण वाजपेयी को अधिवक्ता जिला संयोजक, सोनू सोनी महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल, अनिस सोनकर को मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय बजरंग दल तथा आकाश तिवारी को दूसरे वर्ष भी राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विभाग क्षेत्र मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद लखनऊ विभाग, आज इस रायबरेली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे पदाधिकारियों ने पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों की समीक्षा जो पिछले वर्ष में हुए और अगले वर्ष जो कार्यक्रम होने हैं उनकी योजना और रचना तैयार की। अगले वर्ष के होने वाले कार्यक्रमों में तात्कालिक कार्यक्रम 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प के रूप में एक सप्ताह भर हम लोग मनाएंगे, उसके नवरात्रि के समय माताओं बहनों के माध्यम से राष्ट्रीय महिला परिषद, दिवालियों में दुर्गा सप्तशती के पाठ करेगा, राष्ट्रीय बजरंग दल नमाज का प्रत्युत्तर देने के लिए सड़कों पर नमाज हो सकती है तो महाचालीसा भी होगा, इस निमित्त सड़कों पर महाचालीसा का आयोजन करेगा। और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते केंद्र सरकार ने जो अल्पसंख्यक छात्रों को 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात करते हुए 27 करोड़ हिंदू छात्रों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, उसका प्रतिकार करने के लिए हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश के अंदर विद्यालयों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपेगा। साथ ही भर्ती अभियान हिंदू केंद्र, हिंदुओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र, ऐसा हिंदू केंद्र के संचालन की योजना और व्यापक संगठन घर घर तक पहुंचाने के लिए भर्ती अभियान आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। जय श्री राम। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आकाश तिवारी की रिपोर्ट, रायबरेली।